इस गुरु गेमिंग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरु आपके लिए नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नर्फ एंड बफ के बारे में। तो यहाँ पे टोटल हम लोग ऊपर से बात करें पहले शुरुआत में, तो यहाँ पे ना जो गन ज़्यादा यूज हो रही थी उस सब गन को नर्फ मिला है, और जो गन यूज ही नहीं हो रही थी पड़ी गेम में ही रह रही थी, मतलब कि अच्छी गन है फिर भी कोई यूज़ नहीं कर रहा था, तो उन सब गन को बफ मिला है। सो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल मोटिवेट कर रही है प्लेयर्स को कि भाई इन सब गन को भी यूज़ करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता था लोग एक कुछ परसेंट गन ही यूज़ करते थे, टाइप 25, MSMC, RUS, उसके बाद स्नाइपर में DLQ, ओके एंड लोकस, तो ये सब कॉमन गन है। ओके कुछ ये तो मैंने पांच ही बोला, बट और भी ज़्यादा है, कुछ 6-7 गन है जो कि वही गन आपको मिलती थी, मैक्सिमम लोग वही यूज़ करते थे। तो इन सब गन में से मैक्सिमम गन को नर्फ मारा है, टाइप 25 एंड MSMC को नर्फ मारा है। तो टाइप 25 को तो इसीलिए मारा क्योंकि इसका फायर रेट ज़्यादा है एंड बहुत ही OP बन जाती है, ओके क्लोज रेंज में एंड मिड रेंज में। तो इन्होंने क्या किया, क्लोज रेंज में क्या डैमेज कम कर दिया और रिकॉइल भी बढ़ा दिया है, और मां कसम इस गन को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। सच बताऊं तो इस गन में ना अब कुछ बचा ही नहीं है ऐसा है, फिर भी मैं तो अभी फिलहाल इसको ही अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं 3-4 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को अब इतना फ़र्क नहीं पता। बट हाँ, मेरे को एहसास तो हुआ कि भाई इस गन का रिकॉइल बढ़ा है, प्लस इस गन को अब हैंडल करना थोड़ा हार्ड पड़ गया है क्योंकि इसका फायर रेट ज़्यादा है ना, तो रिकॉइल थोड़ा सा बढ़ा है ना फिर भी ज़्यादा लगता है। सेकेंड चीज़ MSMC, तो MSMC में मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे, क्लोज एंड फाइट ले रहे थे और घुस रहे थे, अंदर घुस के बस ऐसे स्प्रे मार रहे थे। ओके कोई मैक्सिमम प्लेयर अपनी स्किल यूज़ नहीं कर रहा था, रिकॉल हैंडल करना स्किल यूज़ नहीं कर रहा था, तो क्या इसका भी बैंड बजा दी कि भाई चलो अब स्किल बेस्ड प्लेयर ही इसको यूज़ कर सकेंगे, इसीलिए इसको नर्फ मारा। अब कौन सी गन जो है जो कि अब यूजेबल है, मतलब कि अब कौन सी गन डोमिनेट करेगी नेक्स्ट सीजन में और या फिर आने वाले दिनों में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, तो यहाँ पे पर्सनली मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक एक ASM जिसको बफ मिला है ये डोमिनेट करेगी, उसके बाद सेकंड BK-57, ओके और उसके बाद थर्ड AK-47। ये तीन गन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही फेमस होगी आने वाले दिनों में और ये ज़्यादा गन लोग यूज़ करेंगे। नॉट ओनली तीन बट बाकी दो गन और भी है, ICR है, ओके जो कि एक गन ICR जो कि लोग यूज़ करेंगे क्योंकि उसको हम लोगों को क्रेडिट स्टोर में मिली थी, तो मैक्सिमम लोगों के पास ये गन होगी ही, 99% ये गन तो होगी। ओके और LK-24, ये दो गन जो कि बफ मिला है, तो टोटल 5 गन को बफ मिला है, ASM, LK-24, BK-57, ICR एंड AK-47। ये 5 में से कोई भी 3 गन मैंने जो बताई, जो मैंने प्रोबेबली बताई वही 3 गन होगी, ASM होगी, BK होगी और AK-47 होगी। ASM BK इसीलिए होगी क्योंकि जस्सा ज़्यादा, क्योंकि एक तो देखो BK ऑलमोस्ट टाइप 25 जैसी है, ओके अगर आपने चलाई होगी तो, सिर्फ फायर रेट कम है उतना ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ टाइप 25 जैसा ही है, कुछ कुछ चीज़ें में तो टाइप से भी अच्छी है। एंड जो ASM है वो तो भाई पूछो ही मत, जिन्होंने चलाई उनको पता होगा भाई कितना फ़र्क है अभी पहले वाली ASM में और इस वाली ASM में। तो यहाँ पे अब आप लोगों को अगर मतलब कि नेक्स्ट सीजन में आप कन्फ्यूज हो कि भाई कौन सी गन यूज़ करें, तो मैं आपको यहाँ पे दिए 5 गन है ये है, उसमें से मैं आपको ये गन दो गन बता रहा हूँ। एक तो ये ASM, ओके इसको तो ट्राई करना ही, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक गेम खेलो, तो दो तीन दिन इस गन को खेलना, क्योंकि तुरंत ही आप पहले ही गन में या फिर पहले ही दिन में इस गन में बैठ नहीं जाओगे। ओके आपको पहले सीखना पड़ेगा इस गन को कैसे चलाना है, मुझे कैसे मेरी मूवमेंट रखनी है। और दूसरी जो कि मैं बताना चाहता हूँ वो है BK-57, ये दो गन है, इस दोनों गन को ट्राई करना। ओके आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इस दोनों में से कोई भी एक गन पे सेट हो जाओगे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। और बाकी जो गन है LK-24 या ICR, इसका ना थोड़ा फायर रेट कम है और मोबिलिटी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है, तो क्या है इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा बंदे को मानने में, क्योंकि फायर रेट कम है और डैमेज भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, अच्छा है बट इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, तो टाइम लगता है, तो ना मैक्सिमम लोग ना इसीलिए ना यूज़ नहीं करते कि भाई बहुत टाइम लगता है एनिमी को मरने में। और AK-47 का वर्टिकल जो रिकॉइल है अभी भी सेम ही है, ओके उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस उसमें ना थोड़ा कम किया है उन्होंने, बट हाँ फ़र्क आपको दिखेगा, कम किया है वो दिखेगा, बट फिर भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा है। मैंने देखा है भाई सब लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है AK-47 को, पहले तो इतने नहीं मिल रहे थे बट अब तो मिल रहे हैं, हर एक दो मैच में कोई ना कोई मिलता ही है प्लेयर AK-47 वाला। अब यहाँ पे ये सब बात खत्म हो गई, मैंने आपको बता दिया कौन सी गन अब डोमिनेट करेगी, कौन सी अच्छी है, किसको बफ मिला है, किसको नर्फ मिला है, क्यों मिला है बफ, क्यों मिला है नर्फ। ओके नर्फ इसलिए मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग इसको यूज़ कर रहे थे, इसलिए उन गन को नर्फ दे दिया और वो गन थोड़ी OP भी थी इसीलिए, एंड बफ इसीलिए दिया कि भाई कोई उन सब गन को यूज़ ही नहीं कर रहा था तो उसको बफ दिया, सो लोग अब उसको यूज़ करना शुरू करें। अब जो गन की मैं बात करूँगा, ओके तो वो गन ऐसी है कि टाइप 25 का बाप है, यस
वो गन टाइप 25 का बाप होगी एंड वो गन का नेम है HVK-30। तो यहाँ पे देख लीजिए फोटो, तो यहाँ पे जो राइट साइड पे है वो HVK है और लेफ्ट साइड पे HBR है। तो देखो टाइप 25 के हम लोग यहाँ पे मैं आ गया हूँ। ओके, तो यहाँ पे फोटो देखना और टाइप 25, ये फोटो में जो HVK है उसका सब देखना और टाइप 25 में जो है वो देखना। HVK का डैमेज 53, टाइप का 52, एक्यूरेसी 54, टाइप की 44, रेंज 62, टाइप की 35, फायर रेट 67, टाइप का 70, मोबिलिटी 65, टाइप की 70। टाइप सिर्फ एक ही चीज में आगे है, वो भी फायर रेट, और वो भी तीन फायर रेट ज्यादा है। ओके, इसका 67 है, इसका 70 है, तो आई थिंक इतना फर्क नहीं पड़ेगा फायर रेट में कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई नहीं टाइप 25 से कम है, थोड़ा ही कम है ऐसा बोल सकते हो आप लोग। तो ये गन बाप बनेगी टाइप 25 का और ये गन डोमिनेट करेगी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, मैक्सिमम प्लेयर ये गन को यूज करेंगे। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इस गन को ले कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये गन सबसे पहले आएगी क्रेट ओपनिंग में और ये पर्क गन है, जैसे आप लोग नीचे पर्क गन देख रहे हो। ओके, पर्क गन है, क्रेट ओपनिंग में, क्रेट ओपन करना है तब आपको मिलेगी। अब मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि KN जैसा हो, KN को कैसे उन लोगों ने KN-40 को उन लोगों ने लकी ड्रॉ में भी रखा और इवेंट भी दी, तो मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि ये लोग ऐसा भी रखे, क्रेट में भी रखे प्लस इवेंट भी दे, क्योंकि क्रेट से ओपनिंग एक तो देखो सब लोग ओपनिंग नहीं कर सकते, वो बहुत लोगों के पास पैसे तो है नहीं कि भाई उतनी CP इन्वेस्ट करे। दूसरी चीज ये पर्क गन है, चाहकर भी प्रो प्लेयर या फिर कॉम्पिटिटिव प्लेयर इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव में पर्क गन अलाउड नहीं होती। ओके, सो यहाँ पे मेरी होप तो यही है कि भाई ये लोग एक अलग इवेंट में भी दे इसको, जो कि नॉर्मल गन हो, कोई इतनी कुछ खास स्किन ना हो, एपिक स्किन ना हो, कोई पर्क ना हो, बस नॉर्मल गन हो, जैसे KN को इवेंट में दिया था ना नॉर्मल KN ऐसी, तो अच्छा है। तो यहाँ पे ये थी आज की वीडियो। ओके, तो यहाँ पे मैं इस गन की बहुत ही वेट कर रहा हूँ HVK-30 की, जो कि नई सीजन शुरू होगी उसके बाद आएगी क्रेट में। ओके, तो आप मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि भी अब आपने क्या सोचा है आने वाले सीजन में कौन सी गन यूज़ करने का और आपका क्या ख्याल है इस नर्फ एंड बफ पे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एक लाइक तो बनती ही है। ओके, चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट उसके बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते खिलते रहिए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल।